नमस्कार, मेरा नाम है कांशा चौहान और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, साथ ही देश और विदेश की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की थप्पड़बाज लड़की प्रियदर्शनी नारायण के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस ने अब अपनी कमर कस ली है। पुलिस ने प्रियदर्शनी से पूछताछ करने के बाद चार्जशीट तैयार कर ली है, लेकिन प्रियदर्शनी का कहना है कि वह अब मामला सुलह करके निपटाना चाहती है। प्रियदर्शनी ने कहा है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का करियर खराब हो, मैं नहीं चाहती कि मेरा करियर खराब हो, ये मामला सुलह से निपटा जाए तो ही बढ़िया है, लड़ाई झगड़ा आगे नहीं बढ़ाना, ये मुझे बेटर लगता है। जब प्रियदर्शनी से बात की गई और उनसे सवाल पूछा कि क्या आपको अपना करियर खराब होने का डर ज्यादा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे करियर खराब होने का डर ज्यादा है, मुझे एक बेगुनाह को भी बचाना है, वो ड्राइवर भी किसी का बच्चा है, किसी के परिवार का हिस्सा है, तो उनके खातिर मैं ऐसा करना चाहती हूँ। प्रियदर्शनी ने आगे कहा कि मैंने कुछ सोच कर ही क्रॉस FIR नहीं की है, क्योंकि वो गरीब है, पैसे उसके पास कम है, फैमिली सपोर्ट भी कम हो सकता है, गलती किसी की भी हो, जान किसी की नहीं जानी चाहिए। उसने भी कोशिश की और मैंने भी कोशिश की। बता दें कि शनिवार को कृष्णा नगर थाने में आरोपी प्रियदर्शनी को बुलाया गया था, पुलिस ने उससे पूछताछ की। बताया जा रहा है कि पुलिस ने प्रियदर्शनी के पड़ोस में रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की है। जान लें कि हाल ही में प्रियदर्शनी ने लखनऊ के कृष्णा नगर थाना इलाके में एक कैब ड्राइवर को सड़क पर सरेआम पीटा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, साथ ही वीडियो और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।